नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश उत्सव करीब आ गया है, तो जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित प्रजापति मूर्तिकार वाले के यहाँ, जिनसे हम जानेंगे कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण मूर्तिकारों का कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार की मूर्तियाँ वो पिछले 2 सालों से नहीं बना पा रहे थे जो इस साल वो बना रहे हैं, किस रेट में मूर्तियाँ बिक रही हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कब से वो मूर्ति बनाना शुरू किए हैं और कैसी मूर्तियाँ वो बना रहे हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती माधुरी प्रजापति है। कब से आप लोग ये मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट किए हैं? हमारे यहाँ तो मूर्तियाँ पीछे चार पीढ़ी दर पीढ़ी से मूर्तियाँ बनती है। 4 पीढ़ी हो गए हम लोग को ये काम करते हुए। जी, हमारे बुजुर्ग और हम लोग सबको ही हम लोग यही काम करते हैं। तो अभी स्टार्ट कब से किया आपने? क्योंकि देख के तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तब जाके ये बन रही है। न्यू ईयर 1 जनवरी से ये काम चालू हो जाता है, जिसको पेंडिंग देते देखते हम लोग को 4 महीना लगता है। 4 महीने के बाद हमारे यहाँ पुट्टी का काम चलता है। 1 महीना पुट्टी का काम होने के बाद पेंटिंग चालू करते हैं। पेंटिंग का काम हम लोग के यहाँ 2 महीने से चालू हो जाता है। तो पिछले 2 सालों में कोरोना को देखते हुए काफ़ी चीज़ में प्रतिबंध लगा हुआ था, बड़ी मूर्तियाँ नहीं बन पा रही थी, तो इस कारण इस बार क्या देखने को मिल रहा है? कोरोना के चलते तो बड़ी मूर्तियाँ बनना तो बंद ही हो गया था, किसी के गोडाउन में बड़ी मूर्ति नहीं थी। लेकिन कोरोना के बाद पिछले 2 सालों से सबका गोडाउन बंद था, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि सबके गोडाउन में मूर्तियाँ बन रही। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ का स्थापना करने के लिए लोग बहुत उमड़ पड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाए और धूमधाम से इस पर का गणपति त्यौहार मनाया जाए। तो अभी आपके यहाँ कितनी बड़ी मूर्तियाँ बन रही है, मतलब कितनी फीट की मूर्तियाँ? यहाँ लास्ट हाइट है 22 फीट की। 22 फीट की मूर्तियाँ हाइटेड है मेरे यहाँ। और छोटी मूर्तियाँ 100 रुपये से स्टार्टिंग 10,000 तक के है, और बड़ी मूर्ति स्टार्टिंग 12,000 से ले के 1,75 तक के है पूरा। अच्छा, तो जो आपने बताया 22 फीट, उसकी क्या रेट है? उसका 1,75 है पूरा पूरा। जी, तो वो मूर्ति अभी बिक गई या फिर है? तो हमें आप वो मूर्ति भी दिखाएं। जी जी जी, बिल्कुल आइए देखते हैं। कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी है, इसकी प्रतिमाएं अभी रोक दी गई है। सामने समिति वाले चाहते हैं कि गणपति 2 दिन बचे, उसके बाद इसके काम की स्टार्टिंग हो। जी, कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ अपने चीज़ों को छिपा के रखना चाहते हैं, तो वो समितिगढ़ चाहते हैं कि जैसे गणपति 2 दिन बचे वैसे उनका काम स्टार्टिंग हो। तो इनकी सजावट अभी बाकी है, बाकी ये सब कुछ हो? जी जी जी, इनका कलर भी बाकी है अभी। इनका एक कलर में होगा, ये नारद ऋषि मुनि के रूप में है जो कि अपना कलश लेके चलते हुए चल रहे हैं। तो ये मूर्ति कहाँ बिकी है ये आप हमें बता? ये महामाया मंदिर के पास जाएगी। जी, और आपके यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाती है मूर्ति? मेरे यहाँ मूर्ति जाता है बिलासपुर जाता है, जगदलपुर जाता है, उड़ीसा जाता है, राजनांदगांव जाता है, भिलाई जाता है, दुर्ग जाता है, रायपुर के अन्य क्षेत्रों में मेरी मूर्ति की प्रतिमा जाई जाती है। तो और जो ये कलाकार काम कर रहे हैं ये सब यहाँ लोकल है या जी, फिर जी, कहीं लोकल भी हैं, ये रायपुर से भी हैं, कुछ हमारे स्टाफ मेंबर घर के होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं, राजनांदगांव से आते हैं, दुर्ग से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बाहर बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ बाहर से भी कलाकार आए हैं? तो उनके रहने खाने का मतलब सब आप लोग? सब घर पे ही, हम लोग सबका खाने पीने सोने बैठने सबका इंतजाम घर पे ही किया जाता है। जी, तो पिछले 2 सालों में जो लॉस हुआ है आप लोगों को, वो इस बार मिल रहा है बराबर या नहीं? अब देखते हैं, देखा जाए पिछले साल के लॉस और इस बार के कमाई में देखा जाए तो महंगाई के जरिए तो इस बार कोई बराबरी का कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए हमें जितना मूर्ति हम लोग लिए हैं ऑर्डर उनका मुकदान ही मिल जाए वही काफ़ी हम लोग के लिए। जी, तो अभी तक काफ़ी मूर्तियाँ बिक चुकी हैं आपके, सेल हो चुकी हैं? जी, मेरी सारी मूर्तियाँ ऑर्डर्स पे ही बनती है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं जो कि लोकल रायपुर छत्तीसगढ़ से ही बुक किया जाता है। और ये सारी मूर्तियाँ मिट्टी की? जी जी, सारी मूर्तियाँ प्योर मिट्टी का है, मिट्टी पैरा बत्ता इन सब चीज़ों का काम किया जाता है, इनमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं। और प्लास्टर पैरिस का तो काम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि प्लास्टर पैरिस की पूजा नहीं की जाती, प्योर मिट्टी का काम किया जाता है, इसलिए प्योर मिट्टी का ही बनता है। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चलन है गोबर का। जी, तो उसके बारे में आप नहीं सोचते क्या कि हम कुछ गोबर से भी मूर्तियाँ बनाएं? जी जी, सामने गोबर की प्रतिमाएं तो हमारे यहाँ ऑर्डर्स मिले थे, हमने कुछ कुछ मूर्तियाँ प्रतिमाएं बनाई भी थी गोबर की, वो तो बहुत अच्छा चीज़ है। गोबर और मिट्टी ये सारी ये शुद्ध चीज़ होती है, इसके अलावा आप बाकी चीज़ों को नहीं डाल सकते, लेकिन गोबर की प्रतिमाएं जैसे हमें कस्टमर बोलते हैं हम गोबर की प्रतिमाएं भी बनाते हैं।
अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आप उसको जी, भी जी, बना जी जी ऑर्डर जैसे दिया गया, सामने वाला कोई कस्टमर बोलता है कि हमें गोबर की प्रतिमाएं चाहिए तो हम गोबर की मूर्तियां भी बनाते हैं। तो आपने देखा हम पहुंचे थे गणेश मूर्ति वालों के यहाँ, जहाँ पे गणेश मूर्तियाँ बन रही हैं और कितनी अच्छी प्रकार की मूर्ति बन रही है। काफ़ी बाहर बाहर से कलाकार आए हैं और ये मूर्ति को सजा रहे हैं और इस बार काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बन रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।